विदिशा जिले के शमशाबाद विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह पर कुछ दिनों पहले संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया गया था, जिसकी खबर पेपरों के माध्यम से प्रकाशित की गई। उन्हीं खबरों को क्षेत्र के दो पार्षदों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे नाराज विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के दो पार्षदों और एक पत्रकार सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई। वहीं पार्षदों का कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ खबर सोशल मीडिया पर वायरल की है, यदि कार्रवाई करना है तो पत्रकार सहित सभी लोगों पर निष्पक्ष होना चाहिए। कल परसों जो कल एसपी साहब को जो ज्ञापन दिया गया विधायक जी द्वारा, उसमें हम लोगों के नाम हैं FIR के लिए। तो उसमें क्या पेपर की कटिंग चल रही थी, तो कटिंग पर हमने कमेंट्स करिए। अब अगर उन्हें SP साहब को देना थी तो पहले तो जिनने पेपर छापा है, जिस चैनल ने चलाई है, सबसे पहले पेपर पे करना थी, उसके बाद हम पे करना थी। तो उनने और जो सारी हमारे ऊपर कर दिए उनने, तो हम जो चाहते हैं यार कार्रवाई हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक हो। जिस पेपर में छपी है वो उनकी नातनियों ने जो करा है उनके ऊपर भी हो और हमारे ऊपर भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे तक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर दोष भावना से कार्रवाई करी है। ज्ञापन दिया गया आज इस विषय में ज्ञापन दिया है कि जो शिकायत की गई है हमारे विषय में SP साहब के पास, जो फेसबुक पे जो वाइट चल रही थी विधायक जी के विरोध में, जो उनकी नातन हैं उनकी संपत्ति हड़प के, जो हमारे पास ग्रुप पे आई थी हमने उसे शेयर किया, उसके विषय में विधायक महोदय जी ने हमारे विरुद्ध शिकायत की है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, ना कोई ये किया, हमने जो फेसबुक पे जो आई थी हमने उसे शेयर किया है, इतना गुनाह है हमारा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे नाम हटाए जाएँ और हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है।